नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी के चौथे लेक्चर में, चौथा और अंतिम लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार से हम पढ़ रहे थे क्षितिज गद्यखंड पाठ एक नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा पाठ में हमने हालदार साहब के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से हालदार साहब उस कस्बे से होकर गुजरते हैं अपनी जीप में सवार होकर के, और किस प्रकार से पान वाला है एक, और किस प्रकार से उस कस्बे की चौराहे पर, उस कस्बे की हृदय स्थली के चौराहे पर, हृदय स्थली मैंने आपको बताया था जैसे हमारे दमोह का हृदय स्थल घंटाघर कहा जाता है, इसी प्रकार उस कस्बे का जो हृदय स्थल था, उसका जो चौराहा था, वहां पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी जिसे कि बस्ट कहा जाता है। जो भी प्रतिमाएं चौराहों पर लगी रहती उन्हें बस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका भी कारण मैंने बताया था, क्योंकि वक्ष से लेकर के सिर की टोपी तक जो मूर्ति होती है जिस 2 फुट की होती है उसे हम वक्ष कहते, उसे हम बस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा और फिर हमने देखा कि किस प्रकार से पान वाला मजाकिया स्वभाव का है, किस प्रकार हंसता है, कैसे पान मुंह में ठूसे रहता है, कैसे पीक थूकता है वह, और पीक का अर्थ भी मैंने बताया था आपको, पान के रस से उत्पन्न जो थूक होता है उसे हम पीक कहते हैं। तो वह किस प्रकार से दुकान के पीछे पहले थूकता है, उसके बाद वह किसी से वार्तालाप करता है या बातचीत करता है, और किस प्रकार कैप्टन चश्मे वाला जो है एक मरियल सा बूढ़ा सा इंसान है, कमजोर सा इंसान है, और जबकि हालदार साहब सोच रहे थे कि यह कोई फौज का सिपाही होगा, सेना का सिपाही होगा, जवान होगा, है ना, लेकिन जब उन्हें मालूम चलता है देखकर बड़ा दुख होता है, और पान वाले के द्वारा उसे पागल कहे जाने पर दुख भी होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि कैप्टन चश्मे वाला कहीं ना कहीं देशभक्त है। तो यह बात सोच करके कि देशभक्ति का मजाक उड़ा रहा है पान वाला, तो जो हालदार साहब हैं उन्हें दुख होता है। और बाद में हमने देखा कि जब हालदार साहब वहां से गुजरते हैं तो उन्हें चश्मा दिखाई नहीं पड़ता है, तो एक बार तो वो निकल जाते हैं क्योंकि जो पान वाले का बिहेवियर था, व्यवहार था, वह जो था वह हालदार साहब के प्रति बाद में जब ज्यादा प्रश्न पूछने के कारण अच्छा नहीं रहा था, तो इस वजह से उन्होंने पान वाले से कोई प्रश्न ना पूछना ही उचित समझा और वह निकल गए। लेकिन फिर अगली बार जब वहां से वह गुजर रहे थे, निकल रहे थे, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पान की दुकान पर गाड़ी रोकी, पान खाया और पान वाले से पूछा, तो पान वाले ने बताया और पान वाला स्वयं भी दुखी हो गया। उसने अपने आंसू पोछे, अपनी धोती के सिरे से, सिरा अर्थात छोर या किनारा भी कहा जाता है, तो उसने आंसू पोछे और फिर हालदार साहब को बताया कि पान वाला अब नहीं रहा साहब। तो अब इसके आगे की कहानी देखते हैं हम कि किस प्रकार से जो हालदार साहब हैं वह भी दुखी हो गए, भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, और फिर देखते हैं बार बार सोचते कि क्या होगा उस कौम का, कौम अर्थात जाति को कहते हैं, है ना, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था इस देश की खातिर। तो ऐसे देशभक्त, ऐसे वीरों के लिए लोग हंसते हैं, है ना, तो होम कर देने से तात्पर्य है सब कुछ न्यौछावर कर देना। फिर उसी कस्बे से गुजरे, कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, जैसे ही वह कस्बे में पहुंचने लगे, उस कस्बे के निकट पहुंचने लगे, तो उनके मन में ख्याल अर्थात विचार आया। क्या विचार आया कि कस्बे की हृदय स्थली में, हृदय स्थली मतलब मैंने पहले बताया था बीच में स्थित स्थान को हृदय स्थली कहा जाता है, सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, मतलब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तो होगी वहां पर, है ना, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम, पान आगे कहीं खा लेंगे। यह सोचा किसने, हालदार साहब ने, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं, कुछ ऐसा देखा कि चीखे। क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा तो जोर से चिल्लाए रोको, मतलब क्या रोको, जीप रोको, अपने ड्राइवर को उन्होंने निर्देश दिया, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, है ना,
जब जीप स्पीड में थी एकदम से चिल्लाए तो ड्राइवर खुद भी समझ में नहीं आया, वह भी अचकचा गया, मतलब आश्चर्यचकित रह गया, भौंचक्का रह गया कि क्यों चिल्लाए, क्या हुआ आखिर। और उसने जीप जब रोकी तो बहुत तेज ब्रेक लगे जिससे बहुत तेज आवाज आई, रास्ता चलते लोग देखने लग गए। जब एकदम से ब्रेक लगता है तो आप भी कहीं रास्ते से गुजर रहे होते होंगे, कोई गाड़ी यदि ब्रेक लगाती होगी जोर से तो आपकी भी निगाहें उस तरफ मुड़ जाती होंगी, उस तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाती होंगी। ऐसा ही कुछ उस गांव में हुआ और जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके, लपके मतलब तेजी से आगे बढ़े, दौड़ पड़े। उन्होंने क्या किया, जीप रुकने का भी इंतजार नहीं किया और वह कूद पड़े थे जीप में से। जैसे ही जीप थोड़ी स्लो हुई और जीप में से कूद करके वे दौड़ पड़े किस ओर, जिधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी, और ठीक सामने जाकर के वे अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन इट मींस सावधान की पोजीशन में, सावधान की स्थिति में वे खड़े हो गए, है ना। तो फिर क्या हुआ, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं सरकंडा। सरकंडा अर्थात एक प्रकार की घास होती है जो नदी किनारे पर लगती है, तो उस घास से बना करके किसी बच्चे ने चश्मा मूर्ति पर पहना दिया होगा। हालदार साहब भावुक हैं, भावुक मतलब इमोशनल जिसको हम कहते हैं, मतलब जिसके अंदर भावों के वशीभूत हो गए वो, और इतनी सी बात पर हालदार साहब की आंखें भर आईं, है ना। और हालदार साहब की आंखें क्यों भर आईं, उनके मन में यह भावना आ गई कि आज भी देशभक्ति इंसानों में जीवित है, मतलब चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वह सेना में कार्यरत हो या ना हो, देश के नागरिकों के अंदर देशभक्ति का जज्बा, देशभक्ति की भावना मौजूद है, है ना। तो इस प्रकार से यह जो देशभक्ति को प्रेरित करने वाला या देशभक्ति की प्रेरणा हमारे मन में जगाने वाला, जज्बात जगाने वाला यह पाठ था। तो इस पाठ से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं कि हम अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना किसी भी रूप से दिखा सकते हैं। मैंने आपको उसके बहुत सारे उदाहरण पाठ के आरंभ में दिए हैं। अब मैं आपको कुछ प्रश्न देना चाहती हूँ, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, और जब स्कूल स्टार्ट होंगे तब आपको आकर के अपनी कॉपी चेक करवानी है, है ना। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, बस्ट किसे कहते हैं। जी हाँ, पहला प्रश्न है बस्ट किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कैप्टन देखने में कैसा था। जी हाँ, कैप्टन देखने में कैसा था, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र का अर्थ मैंने आपको बताया था, रेखा चित्र से तात्पर्य यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं बनानी है आपको, पान वाले के व्यक्तित्व का वर्णन करना है, है ना। अपने शब्दों को लिखने को यहाँ पर रेखा चित्र कहा गया है। तो फिर अगला प्रश्न है मेरा, लेखक के अनुसार हम बिना फौज में शामिल हुए कैसे देशभक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। लेखक के अनुसार हम बिना फौज में शामिल हुए कैसे देशभक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहे आपके चार प्रश्न, है ना। तो मतलब पहला पाठ था, तो ज़्यादा मैंने आपको प्रश्न भी नहीं दिए हैं, आपके दिमाग पर ज़्यादा बोझ भी नहीं डाला है, और मैंने इसलिए आपको, इसलिए भी आपको कम प्रश्न दिए हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि सभी बच्चों के पास किताबें उपलब्ध नहीं होंगी, है ना, इसी वजह से मैंने कम प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में पाठ को सुनने के पश्चात, मुझे पूरी उम्मीद है इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे, और कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो अपने आप जो लिंक आपको भेजी जा रही है उसी के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हंसते रहें और हंसाते रहें, हंसते रहें हंसाते रहें, सभी प्रश्नों के उत्तर बनाते रहें। धन्यवाद।